सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आप में से जिस किसी ने भी अभी तक हमारे इस गंगा सागर सीरीज के पार्ट वन वीडियो को नहीं देखा है, वो लोग आज के इस पार्ट टू वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपको इस पार्ट टू वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले जाकर हमारे गंगा सागर सीरीज के पार्ट वन वीडियो को देख कर आइए और फिर उसके बाद इस पार्ट टू वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आए। मैंने उस पार्ट वन वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहे तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल हॉरर एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और भी हॉरर कार्टून सीरीज अपलोड होने वाली है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं हॉरर कार्टून सीरीज के नए पार्ट्स अपलोड करूं, तो आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। फिर राधा के पिताजी और दूसरे घर वालों ने उसी वक्त गंगा सागर के मेले में जाकर राधा को ढूंढने का फैसला लिया, लेकिन शाम हो जाने की वजह से और काफी अंधेरा हो जाने के वजह से उनके टूरिस्ट गाइड ने और भारत सेवाश्रम के कुछ लोगों ने उन्हें रात को वहां जाने से रोका। उन्होंने कहा, देखिए भाई साहब, वैसे भी अंधेरा बहुत हो चुकी है, इतने अंधेरे में आप अपने बिटिया को आखिर कहाँ ढूंढ पाएंगे? लाखों भक्तों के भीड़ में और इतने अंधेरे में उसे इस वक्त ढूंढ पाना मुश्किल है। इसलिए मेरी मानिए, आप कल एकदम सुबह सुबह ही गंगा सागर के तरफ जाकर बिटिया को ढूंढना, तब शायद आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर आपको कुछ पता चल सकता है। दूसरे दिन एकदम सुबह सुबह ही वो लोग गंगा सागर की ओर निकल गए राधा को ढूंढने के लिए। वहां जाकर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी के पास भी राधा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही यहां वहां ढूंढने के बाद वो लोग मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर चले गए और फिर मिसिंग रिपोर्ट लिखाकर वापस आश्रम की ओर रवाना हुए। लेकिन आश्रम में लौट आने के बाद उन्होंने वहां पर कुछ और ही नजारा देखा। उन्होंने देखा कि राधा बिल्कुल उनके सामने ही मौजूद है और उसकी माँ उसे वापस पाकर उसे लाड प्यार कर रही है। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि एक साधु जैसे दिखने वाले इंसान आकर राधा को यहाँ उसकी माँ के पास छोड़ कर गए हैं और फिर उन्होंने राधा के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी है, ताकि वो हर तरह के मुसीबत से दूर रहे। लेकिन राधा के पिताजी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उस साधु बाबा को ये कैसे पता चला कि वो लोग भारत सेवाश्रम में ही ठहरे हैं। खैर, राधा के लौट आने की खुशी में वो सब फिर से कपिल ऋषि के आश्रम में गए भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब वो कपिल ऋषि के मंदिर में मौजूद भगवान शिव के मंदिर के पास गए, तब वहां के पुजारी ने राधा के गले में मौजूद रुद्राक्ष को दिखाते हुए राधा के पिताजी से कहा, आपको ये रुद्राक्ष की माला कहाँ से मिली? ये बात सुनकर राधा के पिताजी को बड़ा ही अजीब लगा। फिर उन्होंने उस पुजारी से कहा, मेरी बेटी परसों से लापता थी,
बहुत ढूंढने के बाद भी वो हमें नहीं मिली। अचानक कल एक साधु बाबा ने हमारी बेटी को हमारे पास यानी कि भारत सेवाश्रम में लेकर आए और उन्होंने ही इस रुद्राक्ष के माला को उसे पहने रखने के लिए कहा है। ये बात सुनकर पुजारी के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने बाद में राधा के पिताजी से कहा, ये हमारे इस कपिल ऋषि के मंदिर में मौजूद शिव दरबार के अंदर रखी हुई शिव भगवान की मूर्ति की गले की रुद्राक्ष की माला है, जो कि कल रात से हम लोगों को नहीं मिल रही है। फिर उस शिव मूर्ति की पहले वाले तस्वीरों के साथ उस मूर्ति को ठीक से कंपेयर करने पर राधा के पिताजी को यकीन हुआ। वो पूरी तरह से चौंक गए थे और तभी उन सबको समझ में आ गया था कि उस दिन जिन्होंने राधा को उनके पास वापस लौटा कर गए थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवातिदेव महादेव ही थे। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल वीराने में ऑलरेडी 2 डरावनी हॉरर स्टोरीज अपलोड हो चुकी है। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी वहां जाइए और उन 2 कहानियों को सुन लीजिए, क्योंकि अब से मैं उसी चैनल पर हॉरर स्टोरीज यानी कि भूतिया कहानी अपलोड किया करूंगी और इस चैनल में हॉरर कार्टून और एनिमेशन अपलोड होंगे। इसीलिए जल्दी से जाइए और उन कहानियों का मजा लीजिए और मेरे सेकेंड चैनल वीराने को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उन दोनों कहानियों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं।